Hi guys, this is your boy IFBB Pro Super Sam in the house. बहुत सारा प्यार दे रहे हो मेरी वीडियोस को. थैंक यू सो मच. चेस्ट वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके बाद शोल्डर वाली वीडियो को. तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बैक का वर्कआउट. तो बेसिकली ये वर्कआउट मैं बिगनर्स के लिए ही करूँगा. तो गाइस जुड़े रहिए मेरे साथ एक एक टेक्निक जानने के लिए. जो मैं आज आपको वर्कआउट बताऊँगा उसमें हम बैक की थिकनेस पे काम करेंगे, क्योंकि आई एम अ मैन फिजिक एथलीट. तो मैं चाहता हूँ जो मैन फिजिक इंडिया के अमेच्योर एथलीट्स हैं वो अच्छे से अपने आप को ग्रो करें, क्योंकि मुझे पहले प्रो शो में ये पता चला कि मेंस फिजिक में बैक का बहुत तगड़ा रोल है. मतलब आपकी बैक कितनी भी चौड़ी हो, अगर उसमें थिकनेस इतनी सी भी कम है तो आपके नंबर कट जाएंगे. तो मैं नहीं चाहता कि अगले शो में मेरे भी नंबर कटे और आने वाले शो में आपके भी कटे. तो गाइज अच्छे से देखिए, अच्छे से समझाऊंगा. लेट्स स्टार्ट. चलो दिस वीडियो एंड दिस वर्कआउट इज स्पॉन्सर्ड बाय रन रिप्ड अप न्यूट्रिशन. यस जी हाँ, यही है वो ब्रांड जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था. तो मैं पैनकेक भी इसी ब्रांड के खाता हूँ गाइस, उसकी रेसिपी भी आपको बताऊंगा. तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं. अरे भाई वीडियो में मत आओ, ऐसी वीडियो खराब करो, कट करना पड़ेगा. निकलो यहाँ से. ये ऐसे ऐसे लोग ना जिम में बहुत परेशान करते हैं, मुझे चढ़ा के आ जाते हैं और बस हाथ में आके ऐसे 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 अपनी बॉडी को सिग्नल दो. जैसे अभी मैंने बैक करना है तो आप बैक को स्ट्रेच करो लाइक दिस. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बैक स्ट्रेच होगी तो आपकी बॉडी को सिग्नल, माइंड सिग्नल देगा कि अभी बैक स्ट्रेच हो रही है और बैक का हमें वर्कआउट करना है. तो जो भी आपने मसल को ट्रेन करना उसमें ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए. तो ब्लड फ्लो अच्छा लाने के लिए हम स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़े से हाथ पैर हिलाएंगे और हमारा पहला वर्कआउट होगा चिन अप्स. लेट्स गो. तो जब आपने चिन अप्स लगाने हैं सबसे पहले बॉडी स्टेबल करो, उसके बाद फुल स्ट्रेच वन पूरा नीचे एंड फुल स्ट्रेच टू. इसको हाफ में नहीं लगाना, यहां तक नहीं लगाना, इसको पूरा लगाना. जब आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो पूरी बैक एक्टिवेट होगी. एंड स्पेशल थैंक्स टू द आईजोन प्रीमियम जिम, क्योंकि यहाँ पे आप कितना भी हैवी वेट मारो, कैसे भी रोड फेंको, कोई नहीं बोलेगा दिस इज द एक्चुअल हार्डकोर जिम. तो एक सेट हो गया यार. पता नहीं, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा होता है. मतलब कि मैं रेगुलर वर्कआउट भी कैमरे के आके करूँगा ना तो जो बॉडी एक साल में बननी है वो तीन महीने में बन जाएगी. और जब आप फ्री वेट ट्रेनिंग करते हो इसको आप मैक्सिमम रेपिटेशन तक लेके जाओ, मतलब मैक्सिमम. इसमें कोई वेट नहीं है, इसमें आपकी बॉडी वेट का काम है सारा. तो 10, 12, 15, 20, 25 जितने रेपिटेशन आप लगा सकते हो उतने रेपिटेशन लगाओ, अच्छा पंप आएगा. एक सेट किया अभी, दिस इज द सेकंड वन. आई एम गोइंग टू डू फुल स्ट्रेच. Yep. Boom. Oh. This is something amazing. कैमरे के आगे वर्कआउट करना चाहिए. तो फर्स्ट वर्कआउट इज डन नाउ. मेरे से ना कपड़े पहन के वर्कआउट नहीं होता. तो
अभी हम करेंगे बैंड ओवर ये वर्कआउट, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि आज का सारा वर्कआउट होगा बैक की थिकनेस पे। तो जब हम ये करेंगे ना, तो जब मिडिल बैक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ना, इट वॉज सुपर ऑसम, इट इज सुपर ऑसम। या सॉरी, अरे यार ये जान जान के बीच में आता है वीडियो के चक्कर में, इसका ध्यान से चेहरा देख लो। पॉपुलर नहीं होना चाहता। ये हमारे चंडीगढ़ का टॉप मॉडल है भाई, भाई टॉप मॉडल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नहीं नहीं ये नहीं करना। अभी मैं इंटरनल ग्रिप डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दोनों ग्रिप बताऊंगा। उल्टा हाथ लेके भी लगा सकते हैं, सीधा हाथ लेके भी। और जब आप इसको रोड को पूरा पुल करोगे तो आपने पूरा स्क्वीज करना है, ताकि आपका जो भी इम्पैक्ट है पूरी मिडिल बैक के ऊपर आए, क्योंकि ये वर्कआउट बैक की थिकनेस के लिए है। तो हम थिकनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। थिकनेस के ऊपर क्यों? क्योंकि मैन्स फिजिक में बैक में थिकनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बच्चे देखो, जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल एक सीधा प्रपोर्शन में, एकदम अपनी पोजिशन से बिना हिले, क्योंकि ये वेट मैं ईजीली उठा सकता हूँ। तो कोई बच्चे झटके मारते हैं ऐसे ऐसे, ये काम नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल हो गया आपने वर्कआउट करना। तो गाइज अभी आपने देखी इंटरनल ग्रिप, अभी मैं एक्सटर्नल बाहर को आकर के लगाऊंगा। दोनों का अपना इम्पैक्ट है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे लगा सकते हो, क्योंकि काम तो इसने मिडिल बैक पे ही करना है। तो अभी मेरे इंजरी है यहाँ पे, ये ग्रिप मेरे पेन करता है, ये मुझसे ईजी लगता है, तो मैं अब ये लगाऊंगा। आप दोनों ट्राई कर सकते हो, दोनों ग्रिप्स जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बस मेन फोकस रहना चाहिए आपके पोस्चर पे, लेग्स डाउन, लोअर बैक अंदर, चेस्ट अप एंड स्टार्ट। बहुत अच्छा लगता है जब आप एक्यूरेट एक्सरसाइज करते हो ना, एक एक दो दो सेट पे बॉडी फुल पंप हो जाती है, इनसेन ब्रो। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे मेरी बैक पे गोल गोल निशान पड़े हैं, इसे बोलते हैं हिजामा, यानी कि कपिंग थेरेपी। ये तब करवाई जाती है जब आपकी बॉडी का कोई पार्ट बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाए या उसकी ग्रोथ रुक जाए। इससे क्या होता है, जिस जगह पे कप लगता है वहाँ पे न्यू ब्लड सर्कुलेट होता है, गंदा टॉक्सिन्स गंदा ब्लड सारा निकल जाता है वहाँ से। तो इसके लिए मैं एक एग्जैक्ट डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, उसका आप ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें तो मैं आपको ऐसे ही बताता जाऊँगा हर वीडियो में। तो फर्स्ट वर्कआउट हो गया, अभी ये दूसरी एक्सरसाइज, ये हम करेंगे इनक्लाइन डंबल रोइंग। जैसे कि आपको पता है थिकनेस के ऊपर काम कर रहे हैं हम बैक की, तो लेट्स डू इट इनक्लाइन डंबल रोइंग। मिलती जुलती है, लैसेस नहीं लगानी है, लेकिन इसमें बॉडी स्टेबल रहेगी अपनी जगह पे, डंबल उठाएंगे, दिस एंड अप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। जैसे मैं आप सबको बता रहा हूँ हैवी वर्कआउट नहीं करना। अभी मैंने 25 वाला डंबल लगाया था, मेरी आर्म में पेन शुरू हो गया दोबारा, तो मैं थोड़ा कम लगाने लगा हूँ 17.5। गाइस वेट्स वेट मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी पोजीशन, जो कि सही होनी चाहिए। अभी ये बिल्कुल इजी जाएगा, आधा घंटा शीशे के आगे, 15 मिनट सवेरे मॉर्निंग में, 15 मिनट शाम को, बॉडी में ऐसी सिमेट्री बनेगी ना, जहाँ जहाँ कमियाँ दिख रही हैं सब पूरी हो जाएगी।
ये भी एक मोमेंट है, मतलब आपको पता होना चाहिए आपने सिर्फ ये मोमेंट कर दिए, क्योंकि बाकी की मोमेंट लास्ट वर्कआउट में आएंगी, ये आप नहीं ट्राई करोगे। ये वीडियो बन रही है, मुझे करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग सिंपल ट्राई करिएगा, मैं ऐसे लगा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अभी हम करेंगे तीसरी। आ जाओ कम। और यार हमेशा कोई ना कोई चुतियापा हो जाता है, मेरे माइक की बैटरी लो हो गई तो अभी फ़ोन में ही रिकॉर्डिंग हो रही है। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ओके गाइस, तो इट्स टाइम फॉर द थर्ड वर्कआउट, तीसरा वर्कआउट फॉर द थिकनेस, सीटेड रो। तो दिस इज़ द बेस्ट वर्कआउट आई थिंक, सो दिस इज़ द बेस्ट वर्कआउट फॉर द मिडल बैक थिकनेस। इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे बिल्कुल प्रॉपरली। एज यूजुअल वेट रहेगा मॉडरेट, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, जितना हमारी बॉडी इजीली उठा सके उतना। लाइक दिस, इसमें क्या करना है, फुल स्ट्रेच, आगे को फुल स्ट्रेच, उठना नहीं है, अपनी तशरीफ नहीं हिलानी, बैठना है फुल स्ट्रेच। जब तक बूम बूम ना निकले तब तक मजा नहीं आता, तो इसलिए गाइस कमेंट में आई वांट टू सी बूम बूम इन माय कमेंट्स गाइस, बूम बूम। यार हो सकता है आज की वीडियो में डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो क्योंकि माइक नहीं है, बट गाइस अगर आप इसको भी प्यार दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि जो मैं सुनाना चाहता हूँ, जो आपके कानों तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो तो आपको सुन ही रहा होगा। तो माइक काम करे ना करे, हमारे कान तो काम करते हैं ना, तो लगा के सुनिएगा ईयरबड्स, सब सुनाई देगा। छोटे छोटे बच्चे देखो कितना वेट मार के गए, बाई गॉड कसम से, अरे सारी की सारी लगा रही गई हैं। चलो एनीवेज, आवर नेक्स्ट वर्कआउट इज स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन। तो इससे क्या पूरी बैक उतार के दिखाऊं, अब आपको अच्छे समझ आएगा। सेम पोजीशन रहेगी, डाउन फ्लोर का अंदर, चेस्ट अप, आर्म स्ट्रेट, क्योंकि इस वर्कआउट का नाम है स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन। तो आर्म स्ट्रेट, सीधा नीचे 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 नीचे, अभी बैक। तो आपने देखा होगा जब यहाँ से हम नीचे जाते हैं पूरा, तो पूरी बैक कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर होल बैक। धीरे धीरे लगाओ, कोई भी वर्कआउट करते हो एक एक रेपिटेशन को पूरा टाइम दो, ताकि आपकी मसल, हर एक बैक में कितने सारे छोटे छोटे मसल होते हैं, तो वो सारे एक्टिवेट होने चाहिए, सब अपने काम पे रखने चाहिए, आपके मसल फाइबर फुल टाइट रहने चाहिए। अगर आप मसल और माइंड का कनेक्शन तोड़ दोगे तो पंप भी चला जाएगा। धीरे धीरे लगाओ ताकि मसल और माइंड कनेक्शन प्रॉपर बना रहे। तो गाइस, म्यूजिक चल पड़ा, मुझे थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो चार वर्कआउट हो गया, चार एक्सरसाइज डन, अभी हम वो वर्कआउट करेंगे, वो एक्सरसाइज करेंगे बैक की जो लोग सबसे पहले करते हैं, बेसिक लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन इसलिए क्योंकि बिना लैट पुल डाउन के लैट्स बैक लगाने का मज़ा नहीं है। तो चलिए, हमारे जिम में मशीन भी थोड़ी यूनिक है, मज़ा आता है यहाँ पे लैट पुल डाउन करके। यहाँ पे मैं सारा ठोकूंगा, बूम बूम, अभी माइक नहीं आया तो पहले सुन लो यार, इजी, सबसे पहले इजी,
मेरा वेट ना देखो, ये मैं इजी लगा लूँगा। आप बैठोगे पास में, आओ मशीन को पकड़ोगे नीचे, जब हम नीचे जाएंगे ना फुल स्ट्रेच, बैक का काम है फुल स्ट्रेच, ये फुल स्ट्रेच नीचे को और ऊपर को, मतलब अगर आप अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच दोगे तो इससे आपकी बैक की चौड़ाई ज़्यादा होगी। थिकनेस के ऊपर हमने काम कर लिया सारा, चार एक्सरसाइज पूरी थिकनेस के ऊपर करी है। ये लास्ट वर्कआउट है, यूजली मैं 5 से 6 वर्कआउट ही करता हूँ, अभी बैक बहुत अच्छी हो गई है 4 वर्कआउट में, तो ये मैं लास्ट करूँगा। इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री हम हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है, बैक का। तो बेसिक वर्कआउट बेस्ट वर्कआउट मैं लास्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थिकनेस ज़्यादा अच्छे से करनी थी, मिडिल बैक ज़्यादा अच्छी करनी है। तो जब तक मेरा नेक्स्ट शो है तो मैं पूरा काम अपनी मिडिल बैक के ऊपर ही करूँगा। ये चौड़ाई वाला वर्कआउट बाद में आप लोग पहले भी कर सकते हो, जो मेन काम है वो ये है कि आपको धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे, स्लो स्लो। सिखाने के चक्कर में ना बहुत अच्छा वर्कआउट होता है, मैंने YouTube पहले क्यों नहीं चलाया, बट वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, हर एक चीज़ का टाइम होता है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, एंड दिस वर्कआउट इज स्पॉन्सर्ड बाय रिप्ड अप न्यूट्रिशन। तो गाइस, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, बेसिक सारा वर्कआउट हो गया, 5 एक्सरसाइज होगी, तो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री वर्कआउट। इस वर्कआउट को अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो क्रिसमस ट्री बन जाएगा, कैसे मेरी बैक में बनता है। करना कैसे है, पोजीशन ली, हाथ यहाँ पे, लोअर बैक अंदर, चेस्ट अप, गो डाउन, कम्स अप, गो डाउन, कम्स अप। हर एक एक्सरसाइज के 3 सेट तो करने ज़रूरी है, 4 भी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 3 करने ज़रूरी है। एक हो गया, 2 और करेंगे, उसके बाद वर्कआउट डन। तो अभी मैं अगला सेट लगा रहा हूँ फिर डंबल। आप लोग जो बिगिनर्स हो, जो नया पर नए लगे अभी, बिना वेट्स के करेंगे, ठीक है, वेट्स के साथ इंजरी हो सकती है, पहले बैक को स्ट्रॉन्ग करो उसके बाद वेट्स के साथ करो। तो गाइस, मेरे प्यारे भाइयों, बैक का वर्कआउट हो गया है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सीखिए जितना हो सकता है, मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, जुड़े रहे, शेयर करें वीडियो को ताकि और लोग भी देख सकें अच्छे से, सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन दबा दो ताकि सबसे पहले वीडियो आप देखो, और कमेंट सेक्शन भर दो। अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरी गलती है, मुझे बताओ। अगर आप लोग कुछ और चाहते हो कि मैं नए नए एक्साइटिंग ब्लॉग और वीडियो लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन इज योर्स, भर दो, खच्चा 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 खच। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।